बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तीसरा चरण का जल्द उठाएं लाभ। महामारी के बीच चौपट हो गए हैं व्यापार, शुरू करना चाहते हैं आप अपना बिजनेस तो भारत सरकार लाई है आपके लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, हाल ही के दिनों में भारत सरकार शुरू करने जा रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण। इसके माध्यम से भारत सरकार 1.5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगी। जानिए कैसे कर सकते हैं इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपको सबसे पहले अपना नामांकन करना आवश्यक होगा। इसके लिए आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर पहुंचकर आप अपना नाम, पता और ईमेल आदि की जानकारी सबमिट करें। फॉर्म भरने के बाद आप जिस तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसे चुनें। PMKVY में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एवं ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्र के विकल्प दिए गए हैं। PMKVY में पसंदीदा तकनीकी क्षेत्र के एक अतिरिक्त तकनीकी क्षेत्र का भी चयन करना होगा, यानी कि पसंदीदा क्षेत्र के किस कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हैं इसका भी चयन करना होगा। ये जानकारियां भरने के बाद अपने ट्रेनिंग सेंटर का चयन भी आपको करना होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना की वेबसाइट का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारी जो हर आवेदक को पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आपको कोई फीस चुकानी नहीं पड़ेगी, बल्कि बतौर पुरस्कार राशि करीब 8,000 रुपए भारत सरकार आपको देगी। PMKVY में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। रोजगार मेलों के जरिए सरकार ऐसे युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करती है। PMKVY योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कि कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। वो किस एक फील्ड में या फिर अपनी पसंद की किसी फील्ड में कौशल प्राप्त कर रोजगार कर सकें और देश की आर्थिक उन्नति में सहायक बन सकें। PMKVY के कोर्स के पूरा होने पर आपका SSC द्वारा स्वीकृत मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आप मूल्यांकन पास कर लेते हैं और आपके पास वैध आधार कार्ड है तो आपको सरकारी प्रमाण पत्र तथा स्किल कार्ड प्राप्त होगा। उम्मीदवार PMKVY में कई बार अपना मूल्यांकन करवा सकता है, पर उन्हें हर बार मूल्यांकन शुल्क भरना होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग के लिए फीस। इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवार का जो भी खर्च होगा उसके पैसे सरकार देगी, यानी कि आवेदक को जो ट्रेनिंग ले रहा है उसे कुछ भी फीस नहीं देनी है और वो पैसा सीधा ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग सेंटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं जिसके अंतर्गत हर उम्मीदवार का आधार वैलिडेशन होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन? जो भी आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहा है, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आवेदक को किसी एक स्कीम के तहत 1 साल के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी। उम्र काम करने योग्य होनी चाहिए। जो युवा नौकरी करने के योग्य हों वो इस कौशल विकास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 12वीं पास कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सरकार द्वारा तय किया रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। सारा रिवॉर्ड एक बार में ही दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ्स, परिवार के किसी एक सदस्य का आधार कार्ड। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।